हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में चार सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखो यार, ये कार मैंने कल ही खरीदी है। इसका नाम है फोर्जा मोटर स्पोर्ट कॉर्वेट 2020 आरसी कार। फोर्जा मोटर स्पोर्ट गेम अगर आपने खेली होगी तो गाइस इस तरह की कार उसके अंदर मिल जाती है। ये हमारी दूसरी वाली कार, ये है फरारी स्पेशले 458 आरसी कार। ये हमारी तीसरी वाली कार, ये है फरारी F40 आरसी कार। अभी मैं आपको चौथी वाली कार भी बताता हूँ, ये है हमारी पोर्शे आरसी कार। चलो गाइस फटाफट से पहले इन तीनों को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन सी सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार जीत पाती है। लेट्स स्टार्ट। फोर्जा मोटरस्पोर्ट की ऑफिशियल लाइसेंस्ड 2020 कॉर्वेट आरसी कार है। इसके साथ गेम पास भी मिल जाता है एक्सबॉक्स का 1 मंथ के लिए। इसके अंदर आपको 100 से भी ज्यादा गेम्स मिल जाएंगी एक्सबॉक्स में खेलने के लिए। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा सही लगी। इसके क्या क्या मेन फीचर्स है, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। 4x4 भी दिया गया है। यार इस तरह की कार में तो आमतौर पर 4x4 नहीं मिलता है, पर इस कार के अंदर दिया गया है। वर्किंग लाइट्स है, फुल फंक्शन के साथ आती है कॉर्वेट 2020 आरसी कार। चलो गाइस फटाफट से कार को निकालते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। पैसे तो यार मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। यहाँ से शायद इसका रिमोट बाहर आ जाएगा, इस तरह का रिमोट मिलता है। ऑफिशियल लाइसेंस्ड आरसी कार के अंदर इस तरह के रिमोट नहीं मिलते हैं, पर रिमोट काफी ज्यादा हैंडी है। अच्छा, तो इसकी बैटरीज यहाँ पर हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है, और कुछ है नहीं यार इसके अंदर दिखाने के लिए। अभी निकालते हैं हमारी कॉर्वेट 2020 आरसी कार को। डिजाइन तो काफी ज्यादा किलर है यार इसका। अगर आपने फोर्जा मोटरस्पोर्ट गेम खेली होगी तो उसके अंदर ये कार हम लोगों को देखने को मिल जाती है। पूरी तरीके से रेसिंग आरसी कार है, और इसके ऊपर ग्राफिटी और ये डिजाइन देख सकते हो बहुत ही कमाल की दिख रही है ये कार। सामने की तरफ हेडलाइट्स दे रखे हैं, पीछे की तरफ बहुत बड़ा स्पॉयलर मिल जाता है। ऊपर का जो शेल है हम लोग निकाल भी सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसकी जो बैटरी है ऑलरेडी इसके अंदर फिट होके आ जाती है। इसकी बैटरी को हम लोग निकाल सकते हैं गाइस बाहर की तरफ। यहाँ पर दो व्हील्स है, व्हील्स की क्वालिटी सच बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ी बना रखी है इन लोगों ने। व्हील्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी है। नीचे पूरा का पूरा प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है। फिलहाल इस कार को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, अभी दूसरी कार को अनबॉक्स करते हैं। दूसरी हमारी कार है फरारी F40। इस कार के अंदर जो हेडलाइट्स लगे हुए हैं वो हेडलाइट्स को हम लोग पूरी तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो चीज आपको दिखा देता हूँ। देखो कार को मैंने बाहर निकाल लिया है, कलर जो है काफी ज्यादा सुयर। देखो रेड बहुत ही चमचमा रहा है इसका कलर। इसके हेडलाइट्स देखो इस तरह से अंदर भी चल जाते हैं। ये व्हील को इस तरह से टर्न करेंगे तो बाहर की तरफ भी निकल के आ जाते हैं। ये चीज हम लोग रिमोट से भी कर सकते हैं। यहां पर भी हेडलाइट्स दे रखे हैं पर ये काम नहीं करते गाइस। ये इसके प्रॉपर तरीके से हेडलाइट जो है वर्किंग में है। यहां पर इसके व्हील्स है, व्हील के ऊपर स्टार जैसा डिजाइन है। व्हील पूरी तरीके से रबर का बनाया गया है, नीचे की तरफ पूरा सपाट दिखता है। यहां पर रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती हम लोगों को, इसके साथ 5 AA बैटरी डालनी पड़ती है इसको चलाने के लिए। वो बैटरी हम लोगों को खुद ही खरीदनी पड़ती है गाइस। अंदर की तरफ सीट्स वगैरह आप क्लियरली देख सकते हो। पीछे जो डिजाइन है ना यार, यहाँ पर इसका इंजन होता है तो ये इस तरह का डिजाइन दे रखा है। यहाँ पे पूरी तरीके से ग्लास यूज किया गया है। पीछे एक स्पॉइलर मिल जाता है, F40 बोलकर यहाँ पर भी लिखा है। इसकी टेल लाइट्स प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। ये कार क्लासिक है, मेरे ख्याल से ये कार जो है 20-25 साल पहले आई थी होगी मार्केट के अंदर। रियल वाली कार की बात कर रहा हूँ गाइस। इसका रिमोट भी मैं भी आपको बता देता हूँ, इस तरह का रिमोट मिलता है इसके साथ। बीच में फरारी का लोगो है। अभी ये रही दोस्तों हमारी तीसरी वाली कार। ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट आरसी कार है क्योंकि ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। ऑफिशियल लाइसेंस्ड आरसी कार है ये वाली भी। इसका प्राइस है 4000 रुपीज। अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने अमेज़न का, वहां से भी जाकर आप चाहे तो फरारी स्पेशले आरसी कार को खरीद सकते हो। भाई साहब ये कार का जो वेट है ना यार बहुत ही ज्यादा, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका वेट उतना ज्यादा होगा। सच में मेटल देखो यार बहुत ही तगड़ा वाला यूज कर रखा है इन लोगों ने। व्हील्स का डिजाइन बहुत ही ऑसम है। इसके लाइट का डिजाइन देखो बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रिप भी दे रखी है, ये USB से चार्ज करना पड़ता है। ये चीज इसके अंदर काफी ज्यादा सही है। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम F40 का रिमोट के जैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, ये बटन दबाएंगे तो इसका टॉप जो है फिट हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर 2 बटन है, यहाँ पर 2 बटन। तो गाइस आज जो फाइट होने वाली है इन चारों कार्स के बीच में होने वाली है। यहाँ पर एक और कार भी मैंने ले ली है, ये है पोर्शे कैनी टर्बो आरसी कार। ये भी एक पूरी तरीके से स्पोर्ट्स आरसी कार है। इसको भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो चारों का साइज जो है बिल्कुल सेम टू सेम है क्योंकि चारों ही आरसी कार जो है 1:14 स्केल मॉडल पर बनाई गई है, और चारों ही जो है ऑफिशियल लाइसेंस्ड आरसी कार है। चलो दोस्तों भी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं चारों के बीच में फाइट, देखते हैं चारों में से कौन सी कार होती है विनर। लेट्स गो एंड फाइट।
ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले कॉर्वेट आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। यार इसकी स्पीड जो है काफी सही लग रही है, कंट्रोलिंग भी काफी बढ़िया है, क्योंकि इसका जो रिमोट है ना यार बहुत ही यूनिक बना रखा है। बैक ले लेते हैं और थोड़ा इसको चला के देख लेते हैं कार। वाह भाई वाह, मजा आ गया इसको चलाकर। ब्रेकिंग में एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ब्रेक्स भी एकदम परफेक्ट तरीके से इसके लग रहे हैं। तो कार के अंदर एक दिक्कत है गाइस, जब हम इसको चलाते हैं तो देखो इसका ये जो ऊपर की बॉडी है ना इस तरह से हिलने लगती है। बॉडी इसकी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से कार का लुक जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है इसको चलाते वक्त। अभी फरारी F40 को टेस्ट करते हैं। बटन दबा दिया मैंने इसके, अभी इसके हेडलाइट फटाक से बाहर की तरफ निकल के आ चुके हैं। अभी रिवर्स चलाते हैं दोस्तों, इसको देखो रिवर्स तो एकदम बढ़िया तरीके से चल जाती है। अभी इसको फॉरवर्ड भी चला के देखेंगे, फॉरवर्ड तो यार बहुत ज्यादा स्पीड इसके अंदर दे रखी है। इसकी स्पीड जो है मेरे को कॉर्वेट से भी ज्यादा लग रही है। कंट्रोलिंग काफी ज्यादा सुपर्ब है इस कार के अंदर, इसका लुक भी जो है काफी ज्यादा कूल है। अभी टेस्ट करते हैं फरारी स्पेशाले आरसी कार। ये बटन दबा दिया मैंने, अभी देखो यार इसकी जो छत है यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ इस तरह से बैठ जाएगी। ये फीचर जो है काफी ज्यादा कूल दे रखा है इस कार के अंदर। वापस से मैं वही बटन दबाऊंगा तो ये छत वापस से नीचे की तरफ जाकर फोल्ड हो जाएगी। अभी ये जो कार है ना यार, इसको हम लोग दो रिमोट से चला सकते हैं। अभी देखो यार दूसरा वाला रिमोट भी मैंने ले लिया। ये एक ही कार है जो कि दूसरे रिमोट से भी ऑपरेट हो सकती है, पर इसके जो कंट्रोल्स है ना यार थोड़े से उल्टे फुलटे हो जाते हैं। बाकी कार काफी जबरदस्त तरीके से चल रही है, बहुत कूल नजर आती है ये कार जब रोड पर चलती है। तो चलो गाइस अभी रेस कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। फरारी स्पेशाले बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। कॉर्वेट आरसी कार यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है टेक ओवर करने के लिए, और इसने अपनी स्पीड बढ़ाकर इसको टेक ओवर भी कर लिया है। यार इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा सही लग रही है। इसने देखो यार फरारी स्पेशाले को पीछे छोड़ दिया। अभी फरारी स्पेशाले इसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, पर मेरे को नहीं लगता गाइस ये कॉर्वेट को थोड़ा सा भी कैच कर पाएगी। अभी इन दोनों कार्स के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं फरारी F40 कॉर्वेट को हरा पाती है या नहीं। फरारी कार्स के अंदर जो इनिशियल पिकअप है ये ज्यादा होता है। देखो F40 भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी, कॉर्वेट ने इसको भी टेक ओवर कर दिया है। कॉर्वेट की स्पीड F40 से भी ज्यादा लग रही है। ईयरली वापस से कॉर्वेट आरसी कार जीत चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी इन दोनों के बीच में पुश बैक भी करा के देख लेते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। स्पेशल आरसी कार ने क्या ही टक्कर मारी यार। कॉर्वेट का जो ऊपर का शेल है पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, पर कॉर्वेट आरसी कार स्पेशल आरसी कार को धीरे धीरे करके पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पे स्पेशल आरसी कार पूरी कोशिश कर रही है, पर देखो गाइस कॉर्वेट इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके गाइस, अभी इन दोनों कार्स के बीच में कराते हैं पुश बैक, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है यहाँ पर। भाई साहब दोनों का किनारा टच हुआ था, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पुश बैक नहीं हो पाया है। अभी दोनों को थोड़ा सा आसपास रख के पुश बैक कराएंगे गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है यहाँ पर। सरप्राइजिंगली F40 आरसी कार कॉर्वेट को धीरे धीरे करके पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पर कॉर्वेट आरसी कार पूरी पावर लगा रही है, पर देखो गाइस क्लियरली यहाँ पर जीत चुकी है फरारी F40 पुश बैक में। अभी इन दोनों कार्स के बीच में टग ऑफ वॉर कराएंगे गाइस, देखते हैं फरारी F40 पोर्शे को भी हरा पाती है यानी। यहाँ पर तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा इजी था, काफी इजी तरीके से इसने पोर्शे को हरा के रख दिया गाइस। अभी इन दोनों कार्स के बीच में कराएंगे रेंज टेस्ट, देखते हैं गाइस कौन जीतता है यहाँ पर। दोनों के अंदर सेम रिमोट मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। दोनों को मैं बहुत दूर तक चला चुका हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे से F40 की जो कनेक्शन है ये थोड़ी सी कम होने लगी है। ओ भाई साहब देखो यार अभी F40 जो है पूरी तरीके से रुक गई है। कॉर्वेट आरसी कार है अभी भी काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि कॉर्वेट की जो रेंज है बहुत ज्यादा दे रखी है। अभी इन आरसी कार्स को मैं ऑफ रोड में टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले कॉर्वेट आरसी कार को चला के देखते हैं गाइस, ये प्रॉपर तरीके से 4x4 है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। पर सामने का इसका ये जो बॉडी का हिस्सा है ना यार पूरी तरीके से टूटा हुआ मेरे को लग रहा है। अभी देखो गाइस इसको मैं ग्रास में भी चला रहा हूं, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। नॉर्मली स्पोर्ट्स कार जो है टीमें चलती नहीं है गाइस। अभी अपनी दूसरी कार को भी टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं पोर्शे कैनी चल सकती है यानी। ये प्रॉपर तरीके से एसयूवी कार है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा कम है। मिट्टी में तो एकदम बढ़िया तरीके से चल रही थी, अभी मैं इसको थोड़ा सा ग्रास में लेके आ चुका हूं, ऑलमोस्ट चली रही थी। यहां पर थोड़ी सी ज्यादा ही ग्रास है यार, अभी देखो यहां पर ये फंस चुकी है। F40 है ये तो हिल नहीं पा रही है यार, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा कम है। मिट्टी में या फिर ग्रास में बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये चारों आरसी स्पोर्ट्स कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है देवराज, रंजीत, फहद, बिमल, स्नेह, पुजारा, अंश, आयुष, श्रीकांत, सागर, अनिल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।